हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को देखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जितने सारे भी अपने टॉपिक को पढ़ा है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की मतलब प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जो ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। वैसे तो सारे टॉपिक को ध्यान से देखना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकती है। तो अपन इसे मालूम है हमें कि इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, तो इसे अपन और अच्छे से देखेंगे। तो देखते हैं अपन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एंगल के। ठीक है, तो जैसे अपना ये क्वाड्रेंट बना लिया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सपोज कीजिए अगर ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई हो गया, और ये 3π/2 हो गया, और ये फिर से 2π हो गया। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, सपोज कीजिए थीटा। ठीक है, थीटा कोई एंगल है, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में फिर क्या एंगल होगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई से कम। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई प्लस थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2π/θ और माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, ये अपन देखेंगे कि क्या हमने ये लिखा है। क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन से देखेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। तो जैसे अगर सपोज कीजिए साइन थीटा 1/2 है हमारे पास, तो साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू हमें बताना है। तो थीटा क्या होगा, थीटा हमारा होगा, हमें मालूम है 1/2 कब आती है, पाई बाई 6 पे आती है। ठीक है, लेकिन इसके और एक सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा की क्या होती है, हमें मालूम है थीटा बिलोंग्स टू होता है 0 to 2π। 2π इंक्लूडेड नहीं होता है क्योंकि 0 और 2π सेम ही है। तो एक थीटा पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, तो हमें और एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे दो जगह पॉजिटिव होती है क्वाड्रेंट में। अगर देखें तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पाई बाई 6 हमने लिखा हुआ है, और एक कहाँ पॉजिटिव होती है साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट वाला जब एंगल निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, तो वही है हमारे पास पाई माइनस थीटा। तो ये हमारे पास थीटा पाई बाई 6 आ गया, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल हमें चाहिए वो है हमारे पास पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो गया 5π/6। तो इसके दो सॉल्यूशन आए, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए, पाई बाई 6 और 5π/6। दोनों के लिए ये 1/2 वैल्यू को देगी। तो यही हमने कहा है, यही अगर अगर नेगेटिव में होता तो एक यहाँ पे आता एंगल और एक यहाँ पे आता। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन देखेंगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा इक्वल्स √2-1। तो सबसे पहले अपन थीटा को डिसाइड करेंगे, थीटा है क्या। तो थीटा यहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, तो हम अपन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे। तो √2-1 किसके लिए होता है, टेन 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री को रेडियन में चेंज किए तो आ गया हमारे पास π/8। तो ये π/8 है, 10π/8 इक्वल्स होता है √2-1। लेकिन हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, तो एक थीटा तो हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/8 लाई कर रहा है। ठीक है, और टेन कहाँ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या टेन, नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो एक हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो देख लेते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए क्या करना होगा, पाई प्लस थीटा। तो थीटा में मालूम है पाई बाई 8, तो पाई प्लस पाई बाई 8, तो क्या आ गया हमारे पास 9π/8। तो थीटा की दो वैल्यू आई, एक 9π/8 एक पाई बाई 8। ठीक है, तो इसी तरीके से दो सॉल्यूशन इसके हमें मिले। ठीक है, अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 8 हमें मालूम है, पाई बाई 8 में आता है ये। अगर नेगेटिव होता तो ये फिर सॉल्यूशन नहीं होता, जो नेगेटिव वाले पार्ट के लिए। नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, तो 2π/θ कर देते हो और पाई माइनस थीटा कर देते हो, हमारा आंसर आ जाता। जैसे ये नेगेटिव है, देख लेते हैं इसे, कॉस थीटा इक्वल्स -1/2। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कॉस थीटा हाफ कब होता है, कब होता है, पाई बाई 3 पे होता है। ठीक है, तो पाई बाई 3 हमारा जो है थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, पाई बाई 3, ये अब मेरा सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 3 तो हाफ आ जाता है, लेकिन हमें माइनस हाफ चाहिए। तो माइनस हाफ चाहिए, तो कॉस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बस उन दोनों क्वाड्रेंट में एंगल को निकाल लेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए क्या करना होगा हमारे पास, पाई माइनस थीटा डैट इक्वल्स पाई माइनस पाई बाई 3, तो किसके इक्वल हो गया ये, 2π/3। ठीक है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन आएंगे, तो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस पाई बाई 3। तो देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया 4π/3। ठीक है, तो ये हमारा दो सॉल्यूशन हुआ, 2π/3 और 4π/3, ये सॉल्यूशन आया। यहाँ पे थीटा पाई बाई 3 जो है ये सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। और तो नेक्स्ट हमारे पास है जनरल सॉल्यूशन ऑफ
सम स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो जिस तरीके से अपन देखते हैं साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा है या फिर कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा है, तो थीटा का हम एक जनरल सॉल्यूशन को निकालेंगे जिसके अंदर सारे एंगल आ जाए। तो अगर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा है तो थीटा को अपन लिख सकते हैं एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। आप यहाँ पे एन को की इंटीजर वैल्यू को पुट कर अपना एक एंगल को निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर सपोज कीजिए लिखा हुआ है हमारे पास साइन थीटा इक्वस साइन पाई बाई सिक्स, ठीक है, तो साइन पाई बाई सिक्स किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है। तो साइन थीटा के वैल्यू हाफ बहुत सारे केसेस में हो सकती है, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, थीटा इक्वस वही फॉर्मूला लगा देंगे एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, माइनस वन की पावर एन अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब हमें कोई सपोज कीजिए एंगल निकालना है, तो एन को वन रखकर पहले देख लेते हैं, तो एन को अगर वन रखें, एन को वन रखते हैं तो एन वन रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया पाई प्लस माइनस वन की पावर वन, डेट इज माइनस वन, तो माइनस वन इंटू पाई बाई सिक्स, तो ये हमारे पास आ गया पाई माइनस पाई बाई सिक्स, डेट इज फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है। ये हमारे पास और एक एंगल निकल गया जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो। और कोई निकालना है तो एन को टू रख कर देख लीजिए, एन को टू रख लिए अपन, तो थीटा इक्वस टू पाई प्लस माइनस वन की पावर स्क्वायर पाई बाई सिक्स, तो ये हमारे पास आ गया टू पाई माइनस वन की स्क्वायर क्या हो जाएगा वन प्लस वन, और ये पाई बाई सिक्स का पाई बाई सिक्स। तो फिर यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, सिक्स टू जै ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन पाई बाई सिक्स, तो इसके लिए भी जो है थीटा के साइन थीटा साइन थर्टीन पाई बाई सिक्स के लिए भी वैल्यू हाफ आएगी। और आप ये एन की वैल्यू वन टू पॉजिटिव ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी लेकर आप एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अपन निकालेंगे। उसी तरीके से अब कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए अलग फॉर्मूला है, थीटा इक्वस टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और फिर टेन थीटा इक्वस टेन अल्फा, तो थीटा हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे जैसे प्लस माइनस अल्फा है तो प्लस अल्फा के लिए भी वैल्यू आएगी, माइनस अल्फा के लिए भी वैल्यू आएगी। और फिर अगर स्क्वायर में रहा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है जब स्क्वायर में रहा, तो क्या है फॉर्मूला, थीटा इक्वस एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे टेन थीटा इक्वस टेन अल्फा में सिर्फ प्लस वाला केस आ रहा था, यहाँ पे दोनों केस को लेंगे अपन, ठीक है। तो इसी तरीके से तो इसके अंदर अपन कुछ स्पेशल केस को निकाल के रखे हैं, जैसे साइन थीटा जीरो के इक्वल हो तो हम अपन डायरेक्ट आंसर को लिख पाए, ऐसे तो वहाँ से तो लिख सकते हैं साइन थीटा जीरो कब होता है, जब एंगल जो है जीरो, तो जीरो होते यहाँ अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो थीटा एन पाई के इक्वल आ जाएगा, तो वही हमारा है साइन थीटा जब जीरो या फिर टेन थीटा जब जीरो तो थीटा एन पाई के इक्वल आ रहा है। तो ये हमें डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन करते वक्त हमें टाइम कम लगेगा, इसलिए अपन इसे डायरेक्ट याद रखेंगे। ये तीन तीन छः हैं तो इसे अपन याद रखेंगे ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जैसे साइन थीटा जीरो और टेन थीटा जीरो हो तो थीटा को डायरेक्ट अपन लिखेंगे एन पाई, ठीक है, जहाँ एन इंटीजर है। अब साइन थीटा वन के इक्वल हो तो थीटा इक्वल डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास फोर एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है। और फिर साइन थीटा माइनस वन हो तो थीटा इक्वल फोर माइनस वन पाई बाई टू, प्लस वन था तो प्लस वन ऐसे याद कर सकते हैं, माइनस वन था तो यहाँ पे फोर एन माइनस वन, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर उस तरह से कॉस थीटा इक्वस जीरो तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, कॉस थीटा वन तो देन थीटा इक्वस टू एन पाई, और कॉस थीटा माइनस वन रहे तो थीटा इक्वस टू एन प्लस वन पाई। इन सब की यूज आते रहेंगी, ज़्यादा आएंगी क्वेश्चन करने वक्त, इसलिए अपन इसे एक स्पेशल केस मानकर इसे याद रख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो सेवन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इक्वस फोर, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करें। तो ठीक है, अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमें साइन और कॉस में एक आइडेंटिटी मालूम है। क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस वन होता है, तो अपन यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में, तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वस फोर। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेवन कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट्स से खोल दें ये तो प्लस थ्री माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेवन माइनस थ्री फोर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो गया प्लस थ्री डेट इक्वस फोर। अब थ्री को उधर लेके चल जाएंगे तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस फोर माइनस थ्री डेट इज वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया वन बाय फोर के इक्वल। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा,
अल्फा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पाई बाय थ्री। ठीक है, पाई बाय थ्री कैसे हुआ, कॉस पाई बाय थ्री किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है। तो कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री किसके इक्वल होगा, वन बाई टू का स्क्वायर, डेट इज वन बाई फोर, तो वन बाई फोर ही है। तो ये अपन कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री लिखा हुआ है। तो बस इसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है थीटा इक्वल्स एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ हो गया एन पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या है यहाँ पे पाई बाय थ्री। तो ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन निकल गया। अब यहाँ पे एन की वैल्यू इंटीजर पुट करके अपन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारे पास है टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर टू एक्स इक्वल्स टू। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल को सेम ले आएंगे, यहाँ एक्स है यहाँ टू एक्स, इसको एक्स में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टू साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर टू एक्स। तो साइन टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो उसका स्क्वायर, डेट इज फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए सही लिखा है हमने। ठीक है, तो अब अपन आगे क्या करें, टू तो इसे अपन उधर लेके जाते हैं, फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इक्वस कर देंगे अपन टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा, ये टू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो किसके इक्वल होगा वो कॉस स्क्वायर एक्स के। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वस टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये बात समझे, अब कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स को इधर लाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वस जीरो। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा फोर साइन स्क्वायर एक्स, फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वन, सॉरी टू साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टू कॉस स्क्वायर एक्स हमने कॉमन लिया है इक्वस जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है टू कॉस स्क्वायर एक्स जीरो के इक्वल हो जाए, या फिर टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, यही दो केस पॉसिबल है। तो यहाँ से देख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर एक्स जीरो के इक्वल हो गया, यानी कि कॉस एक्स भी जीरो के इक्वल हो गया। तो कॉस एक्स जीरो कब होता है, हमें पता है कब होता है, एक्स इक्वस टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे। ठीक है, तो फायदा हुआ हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्ट हमें मालूम था कॉस एक्स जीरो कब होता है, तो हमें डायरेक्ट मालूम था, लिख दिया हमने। और यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हाफ के इक्वल। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स हाफ के इक्वल हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वस साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है पाई बाय फोर। कैसे हुई पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर क्या होता है, वन बाय रूट टू, तो साइन स्क्वायर पाई बाय फोर क्या हो जाएगा, वन बाय रूट टू का स्क्वायर, डेट इज वन बाय टू, तो वन बाय टू ही तो लिखा हुआ है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय फोर। तो हमें अब इसके लिए भी जनरल फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, एक्स इक्वस यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देख सकते हैं बड़ी आसानी से अपन निकाल पाए इसके सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है फाइव साइन एक्स प्लस सिक्स साइन टू एक्स प्लस फाइव साइन थ्री एक्स प्लस साइन फोर एक्स इक्वल जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारा साइन में है टर्म, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन देखें यहाँ पे फाइव साइन एक्स है और फाइव साइन थ्री एक्स है, अगर फाइव को कॉमन ले लें और साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को लगा सकते हैं। तो करते हैं, इतना करते हैं, जो दिख रहा है वो करते हैं। तो ये हो गया फाइव कॉमन लिया हमने, साइन एक्स साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर इसे वही रहने दिया, सिक्स साइन टू एक्स प्लस साइन फोर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस साइन बी का, क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास साइन ए प्लस बी बाई टू, थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स बाई टू डेट इज टू एक्स, तो साइन टू एक्स, और कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो कॉस हो गया हमारे पास थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स बाई एक्स टू एक्स बाई टू डेट इज एक्स, तो कॉस एक्स हो गया। ठीक है, टू साइन है कॉस बी। ठीक है, प्लस सिक्स साइन टू एक्स को वही रहने दी, और अपन क्या कर सकते हैं इसे फोर एक्स को टू एक्स में बदल सकते हैं, तो यहाँ भी टू एक्स है, यहाँ भी टू एक्स है, यहाँ भी लाते हैं, तो साइन फोर एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हमने। अब अपन क्या करें, यहाँ से तो और कुछ दिख नहीं रहा है, अपन क्या करें, साइन टू एक्स तीनों जगह में कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं, तो यहाँ से
टू साइन टू एक्स कॉमन आ जा रहा है, तो टू साइन टू एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है कॉमन आ गया। तो यहाँ बचा क्या, फाइव कॉस एक्स लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या बचा, थ्री, बस थ्री ही बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, कॉस टू एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो टू साइन टू एक्स इसे वही रहने दिए, कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखेंगे, लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं आपको अभी पता चलेगा। तो ये हो गया हमारे पास फाइव कॉस एक्स प्लस थ्री, प्लस कॉस टू एक्स को लिखा हमने टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वन, ठीक है फॉर्मूला में मालूम है, लिख दिया इक्वल्स जीरो। तो ये हो गया हमारे पास टू साइन टू एक्स, और ये हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स प्लस ऑफ टू इक्वल जीरो। तो अब अपन बोल सकते हैं या तो 2 साइन 2x 0 हो जाए, या फिर ये जो cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ये 0 हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने क्यों लिखा है इस तरह से, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ये 2 साइन 2x 0 के इक्वल हो जाए, या फिर 2 cos स्क्वायर x प्लस फाइव cos x प्लस 2 0 के इक्वल हो जाए। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इससे दो वैल्यू आएंगे cos x के, हम डायरेक्ट लिख देते हैं आप निकाल लीजिएगा, ठीक है cos x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस हाफ और माइनस टू। तो हमें मालूम है cos x का रेंज हमें पता है, ग्राफ में हमने देखा था क्या होता है रेंज, माइनस वन टू वन, और यहाँ पे माइनस टू एक वैल्यू आ रही जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रेंज के अंदर है ही नहीं। तो एक वैल्यू आई हमारे पास cos x माइनस हाफ, तो यहाँ से हमें जनरल लिखना है। तो जनरल लिखना है तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे cos x इक्वल्स cos अल्फा के टर्म में, तो इसे करते हैं अपन cos x इक्वल्स कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फा क्या होगा, तो अल्फा क्या होगा, कॉस एक्स सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल को लिखते हैं अपन किस तरीके से लिखते हैं, हम लोगों ने लेक्चर की स्टार्टिंग में ये देखा पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा पाई बाय थ्री है क्योंकि कॉस पाई बाय थ्री वन बाय टू होता है। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा इक्वल्स पाई माइनस पाई बाय थ्री, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई बाई थ्री, ठीक है आ रही है बात समझ में। तो हमारे पास अब जनरल सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा cos x इक्वल्स 2 एन पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई थ्री, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इससे हमारा ये एक सॉल्यूशन आया। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2 साइन 2x इक्वल्स जीरो, यानी कि साइन 2x इक्वल्स जीरो, आ रही है बात समझ में। तो साइन x जीरो कहाँ होता है, हमने स्पेशल केस में देखा था कहाँ होता है, एन पाई में। तो अपन लिख देंगे 2x इक्वल्स एन पाई, तो यहाँ से हमें x चाहिए तो x इक्वल्स हो जाएगा एन पाई बाई टू, ठीक है। या तो इन वैल्यू ऑफ x के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा, या फिर ये वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, यहाँ n रखकर अपन एंगल को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास ये एक नेक्स्ट वेरियंट का क्वेश्चन है, ये है रूट थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन ने रेंज मैक्सिमम मिनिमा निकालने में देखे थे, तो उसी तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकालना, हमें इक्वेशन के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर देते हैं, रूट थ्री बाई टू कॉस एक्स प्लस वन बाई टू साइन एक्स इक्वस वन हो जाएगा, आ रही है बात समझें। तो अब यहाँ से कह सकते हैं ये लिखा है कॉस एक्स और रूट थ्री बाई टू साइन क्या, साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी कॉस एक्स, फिर यहाँ पे कह देंगे कॉस सिक्सटी साइन एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस सिक्सटी डेट इज़ पाई बाई थ्री का फॉर्मूला बन गया। ये तो देख सकते हैं आप साइन एक्स कॉस पाई बाई थ्री, ठीक है, फिर कॉस एक्स साइन पाई बाई थ्री, ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ है। तो अपन अब यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे साइन एक्स वन के इक्वल कब होता है, जब एक्स फोर एन प्लस वन पाई बाई टू हो जाए, तो एक्स हो जाए, एक्स की जगह में यहाँ पे क्या है एक्स प्लस पाई बाई थ्री, ये किसके इक्वल होना चाहिए, फोर एन प्लस वन पाई बाई टू के, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो पाई बाई थ्री को उधर लेके चल जाएंगे। तो ये हो गया फोर एन प्लस वन पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई थ्री, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेके आप लिख सकते हैं अच्छे से, सिक्स एलसीएम आ गया और ये हो गया थ्री फोर एन प्लस वन पाई बाई पाई माइनस ऑफ टू पाई, ठीक है, आप ब्रैकेट खोल दें तो ट्वेल्व एन प्लस थ्री पाई, ट्वेल्व एन पाई प्लस थ्री पाई माइनस ऑफ टू पाई बाई सिक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व एन पाई
माइनस प्लस ऑफ पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन फाइव थीटा इक्वल साइन थ्री थीटा, थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई कहा गया है। तो अपन यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन, तो जो सॉल्यूशन इसके होंगे सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से बाकी सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। बस यहाँ पे बोल दिया गया है थीटा जो है वो जीरो से पाई में ही होगा, तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें तो बहुत सारे एंगल आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा एंगल लेना है जो जीरो और पाई के बीच में ही लाई करे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन फाइव थीटा माइनस ऑफ साइन थ्री थीटा इक्वस जीरो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस साइन बी का, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी बाई टू फाइव थीटा प्लस थीटा बाई टू डेट इज सिक्स थीटा बाई टू थ्री थीटा, और कॉस ए माइनस बी बाई टू ए माइनस बी फाइव थीटा माइनस थीटा डेट इज फोर थीटा बाई टू डेट इज टू थीटा माइनस ऑफ साइन थ्री थीटा इक्वस जीरो। और ये बात समझ, अब यहाँ से साइन थ्री थीटा को कॉमन ले लेंगे, साइन थ्री थीटा को कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया टू कॉस टू थीटा माइनस ऑफ वन इक्वस जीरो। तो यहाँ से आ गया हमारे पास साइन थ्री थीटा इक्वस जीरो और कॉस टू थीटा इक्वस हाफ, ये इसको जीरो करेंगे वन को उधर लेके जाएंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस टू थीटा इक्वस हाफ आ जाएगा। अब यहाँ से अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, तो साइन थीटा जीरो के इक्वल है यानी कि थीटा एन पाई के इक्वल होगा, तो यहाँ पे थ्री थीटा इक्वल हो जाएगा एन पाई के, तो यहाँ पे थीटा इक्वस हो जाएगा हमारे पास एन पाई बाई थ्री, ठीक है। लेकिन हमें सारे सॉल्यूशन तो लेने नहीं है, बस जीरो से पाई तक लाई करना चाहिए, तो एक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थीटा इक्वस जीरो, वन रखे तो पाई बाई थ्री, ठीक है, तो पाई बाई थ्री जीरो से पाई के अंदर है, ठीक है, ये भी ले लेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास टू रखेंगे तो टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री जीरो से पाई के बीच में है, हाँ है, और थ्री पाई बाई थ्री होगा क्या, हाँ पाई भी आ जाएगा क्योंकि पाई पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये चार सॉल्यूशन हमें साइन थ्री थीटा इक्वस जीरो से मिले। अब यहाँ से देखेंगे कॉस टू थीटा इक्वस हाफ, तो यहाँ पे हाफ कब होता है, कॉस पाई बाई थ्री पे होता है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे टू थीटा इक्वस टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या है पाई बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। फिर से यहाँ पे भी थीटा को निकाल लेंगे अपन जीरो से पाई के बीच में, तो यहाँ पे थीटा क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा हमारे पास दो आ गए पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स, आप वैल्यू रख कर देख लीजिएगा और कोई आ रहा है क्या, और कोई शायद नहीं आ रहा है, ठीक है, पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स आया और यहाँ से ये चार आया, तो इन सारे सॉल्यूशन के लिए थीटा की वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा। अगर ये थीटा का इंटरवल नहीं दिया हुआ रहता तो बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट कॉस एक्स कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इक्वस वन, ठीक है। तो इससे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एट कॉस एक्स को वही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स की वैल्यू तो हमें मालूम है, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर डेट इज थ्री बाई फोर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स है और ये हो गया हमारे पास माइनस हाफ इक्वस वन, तो ये हो गया एट कॉस एक्स और ये थ्री बाई फोर माइनस हाफ कितना हो जाएगा वन बाई फोर, और साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ कॉस एक्स है, तो इसे भी कॉस में बदल लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा ये वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, सब कॉस में रहेगा तो सही रहेगा इक्वस वन। तो अब यहाँ से देखें तो ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया ये हो गया टू कॉस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट को खोल दे रहे हैं, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ये एट कॉस एक्स, आ रही है बात समझ में, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस एट कॉस क्यूब एक्स और इक्वस वन, कुछ नहीं किया बस ब्रैकेट को सारे ब्रैकेट को खोल दिया है हमने। अब आगे क्या करें, ये कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा हमारे पास एट कॉस क्यू एक्स माइनस ऑफ सिक्स कॉस एक्स इक्वस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं अपन, तो ये हो गया फोर कॉस क्यू एक्स माइनस ऑफ ये क्या हो गया थ्री कॉस एक्स इक्वस वन। तो अब हमें देखें ये तो फॉर्मूला बन रहा है फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स दैट इज कॉस थ्री एक्स, तो टू कॉस थ्री एक्स इक्वस वन, तो कॉस थ्री एक्स किसके इक्वल हो गया हाफ के इक्वल हो गया, आ रही बात समझ में, तो ये कॉस थ्री एक्स इक्वस कॉस पाई बाई थ्री,
तो अब यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं अपन 3x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो। तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो इस क्वेश्चन से देखें, ये बस डराने के लिए दिया हुआ था कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। आप सोच रहे होंगे कि इसे डायरेक्ट वैल्यू लिखें कि नहीं लिखें, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखकर हमें सॉल्व करना होगा। और फार्मूला तो याद रहना चाहिए, सारे ट्रिगोनोमेट्री के जो भी फार्मूले हैं सारे याद रहने चाहिए, और बस फार्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं, सारे वेरिएंट के क्वेश्चन को कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये सारे क्वेश्चन फिर से एक दोबारा करें, ठीक है, और जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं या बुक यूज़ कर रहे हैं उनके भी क्वेश्चन करें। और डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।